Saranj. Welcome to our channel, Siblings Reaction. So before we start the video, please do subscribe to our channel and also ring the bell icon. And apart from that, you guys can follow us on Instagram as well. My Instagram handle is Saranj Chanana and your Instagram handle is Sapna_Chanana. So Sapna, आज की वीडियो में क्या स्पेशल है? Like what's so special in today's video? आज की वीडियो पूरी ही स्पेशल है. पूरी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि एक नया कंटेंट हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं. जब हमने अपने चैनल की शुरुआत की थी तो हम लोगों ने तेलुगु की वीडियोस से अपनी चैनल की शुरुआत की थी. हम लोग तेलुगु के सॉन्ग्स, थिएट्रिकल वीडियोस, सीन्स हो गए, एक्शन सीन्स, फाइट सीन्स, बर्थडे मैशअप्स, ये सब लेकर आए थे. और हमें अपनी तेलुगु ऑडियंस, तमिल ऑडियंस से बहुत 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 प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला. थैंक यू. एंड आज जो हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं वो बॉलीवुड पर है क्योंकि उसमें बॉलीवुड एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन सर हैं और आयुष्मान खुराना है. सो गाइज, एक्चुअली बात ये है कि मैं शॉक थी थोड़ा सा. वो इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये जो वीडियो के लिए हमें सजेस्ट किया था वो हमारे तेलुगु के ऑडियंस ही थी. तेलुगु लोग बहुत ज्यादा, काफी सारे तेलुगु ऑडियंस ने ही हमें इस वीडियो पर रिएक्ट करने को करा. हम लोगों ने तभी डिसाइड किया कि ओके ठीक है, लेट्स टेक अ ट्राई, लेट्स गिव अ ट्राई. एंड फाइनली वी आर हियर विद दिस वीडियो. तो मूवी का नाम क्या है? तो मूवी का नाम है गुलाबो सिताबो. गुलाबो सिताबो. एंड इसका मैंने देखा था वैसे कि मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर आयुष्मान खुराना है. एंड आयुष्मान खुराना जब स्क्रिप्ट पकड़ते हैं ना तो वो लिटरली पहले यूनिक स्क्रिप्ट पकड़ते हैं. मतलब इतने ज्यादा फेमस है ना वो कि आज तक उन्होंने जितनी भी मूवीज करी हैं अपनी इंडस्ट्री में वो सारी की सारी मतलब यूनिक कंटेंट पे. मैं पता क्या सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये स्क्रिप्ट का कमाल है या आयुष्मान खुराना का कमाल है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आयुष्मान खुराना जिस फिल्म के अंदर आते हैं ना तो वो फिल्म अपने आप ही अच्छी लगने लग जाती है. मे बी बिकॉज उनका एक्टिंग बहुत स्ट्रांग रहता है, उसमें कॉमेडी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है और ही यू नो प्लेस विद द रियलिटी. मुझे ऐसा लगता है इतनी जेन्युइनिटी दिखती है उनकी वीडियोस में. लगता है कि मतलब वही वो उसी कैरेक्टर में ही चले गए. आई नो वी सो मच लाइक ही. मतलब इतने कम टाइम में ही ना आयुष्मान ने इतने सारे फैन फॉलोइंग बना ली है. इनफैक्ट हमारी फैमिली में आयुष्मान खुराना को पर्सनली सब लोग बहुत पसंद करते हैं. मतलब सीरियस रोल की बात करें, सीरियस रोल हो गए या मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप के रोल करते हैं जो देख के लगता है कि एक्चुअल में कि हाँ जैसे कि वो उसी रोल के लिए ही बने उस रोल. हाँ मुझे भी ऐसे लगता है जैसे वो रोल ना आयुष्मान खुराना के लिए, चाहे वो शुभ मंगल सावधान हो या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान हो. मतलब बहुत सारी अंधाधुन तो क्या फिल्म बनाई है, मतलब क्या एक्टिंग की उसके अंदर, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आई थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम अमिताभ बच्चन सर की तो क्या ही बात करें, वो तो लेजेंडरी एक्टर है ऑलरेडी. जो इस फिल्म के अंदर जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है. हाँ मतलब मैंने सुना था कि उन्होंने काफी ज्यादा एक ओल्ड पर्सन का रोल करा है इसमें. लेट्स सी कि मूवी कैसी होती है. बाकी मतलब इसमें बहुत मेहनत की होगी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अपनी एज से ज्यादा बहुत ज्यादा एक एज का वो कैरेक्टर परफॉर्म करने वाले हैं इस फिल्म के अंदर. सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हाँ हमारे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यहाँ एल्यूमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहाँ मिर्जा की चप्पलें पड़ी थी या दो बकरियां बांध रखी हैं, ताला हमारे बनस मेरा निकालने के लिए. अरे बनस चोरी हुई, निगोड़ी जायदाद चोरी हो गई. जायदाद वाली सूरत का जाना हो तो मिश्रा जी की फैमिली के साथ जॉइंट डाल. लेकिन हमें पता नहीं था कि आप इतने गरीब हैं. आज से पार्किंग दो 50 रुपया रोज का. हाँ जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो ठीक है, वरना ठोक देंगे तुम्हें हमने. हवेली और हमारे बीच आना ना, वरना ऐसा हाल कर देंगे. बुलाओ हाल तो तुम्हारा करेंगे हम. यूनिवर्सिटी के लौंडे बुला लिए ना, जितनी आज की चल रही हवेली के साथ सब निकाल देंगे. पुरानी ईंटें ये तो होना ही था. एक तो किराया बढ़ाते नहीं हो, मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे. हिलाओ मत, अटैक आ जाएगा. आपको तो अपना मकान
खाली करवाना किराए घर से। कागजात लाए हो मीटिंग के लिए कि ऐसे आगे उठाते हो? एक ही ऑप्शन है, हवेली भेजो। हवेली हमने बेच दी है। बेच रहे हो? बेच ही नहीं सकते, हवेली हमारी जमीन हमारी मर्जी हमारी, कैसे नहीं बेच सकते? लेकिन परमिशन हमारा लगेगा, अब मजा है। मोहब्बत करते हम अपनी हवेली से बेइंतहा। ऐसा है, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, हमारा बाप नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर से नहीं जान पाओगे, हमें खोद ले लो। मकई के जो भी डायलॉग से आज तक उसके फेमस है, चाहे फिर वो नो मींस नो वाले डायलॉग हो, मतलब कोई भी डायलॉग हो वो फेमस हो जाता है। उनकी फिल्म्स के स्क्रिप्ट बहुत पावरफुल होती है, स्टोरी बहुत दमदार होती है, सो आई एम श्योर मुझे मतलब लगता है ये हिट जाने वाली है। एनीवे दिस इज नॉट अ यू नो, ये थिएटर्स में नहीं लगने वाली है, पीवीआर में नहीं लगने वाली अभी तक जो मुझे लगता है। अमेजोन प्राइम पर आने वाली है, जून में आ रही है, सो देखते हैं कि ये फिल्म कैसी रहेगी। बाकी मुझे और अमिताभ बच्चन सर ने कितना अच्छा काम किया, वो देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि सच में ही मतलब एकदम उसी कैरेक्टर के ही लग रहे थे। मतलब यार नहीं, कितने बूढ़े लग रहे थे, बहुत ज्यादा एक्चुअली वो बुजुर्ग लग रहे थे वैसे ना, उतनी ही एज के लग रहे थे, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा था उसके कम एज के। सो एक्टर तो मतलब हमेशा से बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी एक्टर है। सो या ये थी आज की हमारी वीडियो। एंड मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारी स्पेशल ऑडियंस के लिए लेकर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन सर के लिए, अल्लू अर्जुन फैंस के लिए हम लोग नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। गाइस स्टे ट्यून्ड। और मैं जानती हूँ कि काफी सारे फॉलोअर्स हम लोगों को बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अल्लू अर्जुन की वीडियो का भाई, अल्लू अर्जुन की वीडियो। सो गाइस प्लीज वेट कीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों के लिए है। सो स्टे ट्यून्ड एंड हमारी इन वीडियोस के बारे में भी आप बताइएगा कि हमारी ये वीडियोस आप लोगों को कैसी लगी, और ज्यादा सजेशंस दीजिए हमारे को, फिर वो चाहे हर जगह से सजेशन हो वो मतलब वेलकम है, फिर चाहे वो तेलुगु हो, मलयालम हो, एनी लैंग्वेज है। और हाँ, हमारी बाकी की वीडियोस जो है वो भी आप लोग हमें बताइए कि कैसी है, कैसा रिएक्शन है हमारा, और आप लोगों को कैसा पसंद आ रहा है, कोई फीडबैक है प्लीज हम लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चाहे आप नीचे कमेंट्स पे जाके लिख सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी और आगे हम किस वीडियो पर रिएक्ट करें। सो ये था हमारा आज का आप लोगों के सामने ट्रेलर गुलाबो सिताबो का। अब हम मिलते हैं आपके साथ नई वीडियोस के साथ और नए सजेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।